हेलो एंड वेलकम टू हीलियोस कोचिंग। आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स दैट आर रिलेटेड टू द जनवरी मंथ ऑफ 2020। ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैंड पिक्ड एमसीक्यूज़ हैं। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है आपके जनवरी मंथ को, और ये एमसीक्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में लग सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इट कैन बी क्वाइट क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इंडिया इज़ रैंक्ड इन 2019 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है दैट इज़ योर कि कोई अगर हम किसी भी एक सिंगल कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हर ईयर बाय ईयर बेसिस के ऊपर किस तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है। देखिए, आजकल ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इशू है और जो कंट्रीज़ हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा उलझ रही हैं। तो हर साल इस चीज़ को चेक किया जाता है कि कौन सी कंट्री ने क्या इम्प्रूवमेंट की है और कौन सी कंट्री इस चीज़ में पीछे लैग कर रही है। तो उसमें जो हमारे इंडिया का रैंक है दैट इज़ योर नाइन्थ रैंक। नाइन्थ रैंक हमारे इंडिया का है, दैट इज़ अ गुड रैंक। तो दैट मीन्स कि इंडिया इज़ स्लोली एंड स्लोली गेटिंग इन टू अ गुड वे, जिससे इनका जो इंडिया का क्लाइमेट है उसको हम काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर पा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच फुटबॉलर मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वेमेन फुटबॉलर टू बैग अ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ फॉरन क्लब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन जो अकॉर्डिंगली आएगा ही आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये इंडिया में पहली बार ऐसी अचीवमेंट हुई और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो डी ऑप्शन है, एन बाला देवी, दैट इज़ द राइट आंसर। अब शी हैज़ ज्वाइंट द स्कॉटिश जाइंट। आपका जो स्कॉटिश एक क्लब है, फुटबॉल क्लब, दैट इज़ योर रेंजर्स फुटबॉल क्लब, उनको ज्वाइन किया है एंड दैट इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। इट इज़ 18 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट जो उनका रहेगा एंड अकॉर्डिंगली हाउ शी परफॉर्म्स उनका आगे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिन्यू हो सकता है, बट हमारी कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर डी है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप टू हेल्प द विजुअली चैलेंज्ड आइडेंटिटी आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशंस ऑफ करेंसी नोट्स। अब ये एक मनी नाम से आपकी ऐप लॉन्च की है। जनरली आपके जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, ड्यू टू द फेक करेंसीज बहुत ज़्यादा इशू आता है, वो इसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन से नोट्स आपके असली हैं, कौन से आपके जो हैं वो नकली हैं। तो उसके लिए एक ऐप लॉन्च की है मनी, दैट विल वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द विजुअली चैलेंज्ड पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट हैज़ रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। सो इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये आपका वर्ल्ड बैंक है जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट को आता है। अब देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर एक ना एक आना ही आना है, तो जो रैंक्स होते हैं या जो रिपोर्ट्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और आपके पेपर में जो क्वेश्चन है ये आ सकता है। नेक्स्ट, विच पोर्ट इज़ नाउ रीनेम्ड एज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इट इज़ डायरेक्ट अगेन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आपका जो कोलकाता पोर्ट है दैट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट्स आपके इंडिया में, काफ़ी एक ओल्डेस्ट पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट्स है, और इनका नाम जो है वो अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से चेंज कर दिया गया है। काफ़ी पुराने टाइम से यहाँ से ट्रेड जो है वो आपका होता है, तो इनका नाम चेंज हो गया। अगेन ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वन द क्रोएशियाज प्रेजिडेंशियल इलेक्शन। तो आपका जो क्रोएशिया का प्रेजिडेंशियल इलेक्शन है वो आपका जीता है जोरान मिलानोविक ने, और अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बट इट इज़ अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। इसका ऑप्शन आपका ए आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं, ही इज़ द योर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके जो नए बने हैं, तो ये अगेन आपका एक डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको आप अगेन याद कर सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द IUCN टू रेड लिस्ट ऑर्किड। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो IUCN है ये आपकी एक एजेंसी है जो लिस्ट बनाती है आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज से, ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो उन्होंने आपका MOU साइन किया है आपका हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के साथ, हमारी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग IUCN के साथ साइन हुआ है, और वो ऑर्चिड्स के लिए। देखिए, जो रेड लिस्ट ऑर्चिड्स हैं वो एक ऐसे ऑर्चिड्स हैं जो धीरे धीरे, जैसे घोस्ट ऑर्चिड्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो धीरे धीरे हमारे इंडिया में एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, हमारे कंट्री में या किसी भी इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है उनका मेमोरेंडम साइन हुआ है, तो अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड डैश साइंड MOU ऑन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जर्मनी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपकी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है उसके लिए जर्मनी के साथ आपका MOU हमारी कंट्री इंडिया ने साइन किया। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए डायरेक्ट। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे साइंस MOU विद डैश फॉर फेज टू ऑफ ई ऑफिस एग्जीक्यूशन। नाउ ई ऑफिस एग्जीक्यूशन इज
रिमूविंग योर पेपर्स, आपका जो पेपर है उसके ऊपर कोई भी डील करना, उसको कम्प्लीटली ख़त्म करके पेपरलेस हो जाना, ताकि कार्बन फुटप्रिंट्स आपके कम हो, आपका पेपर की वेस्टेज जो है वो आपके पास कम हो। तो एक फेज़ है जिससे धीरे धीरे पेपर वर्क जो है आपका, जो इंडियन रेलवे है उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, और उसके लिए जो MOU साइन किया गया दैट हैज़ बीन साइन विद रेलटेल। रेलटेल इज़ द राइट आंसर, तो डी ऑप्शन आप करेक्ट है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर्स हैज़ बीन अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड 2020? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कंगना रनौत इसका आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, शी इज़ फ्रॉम हिमाचल। आप इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट डायरेक्टली, क्योंकि अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछते ही पूछते हैं। नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ 82 कंट्रीज ऑन अ न्यू सोशल मोबिलिटी इंडेक्स? ना, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स इज बेसिकली द मूवमेंट, ये आपकी मूवमेंट है ऑफ वन ग्रुप और एथनिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक जगह से दूसरी जगह किस हिसाब से मूव कर रहे हैं, और उसमें क्या ट्रेंड अपवर्ड्स जा रहा है, या दैट इज़ इनकी ग्रोथ हो रही है, या ट्रेंड डाउनवर्ड्स जा रहा है, दैट इनका कुछ डाउनफॉल हो रहा है, तो उसके बेसिस के ऊपर मोबिलिटी इंडेक्स बनाया जाता है, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। तो 82 कंट्रीज से बनाया जाता है, और जो इंडिया का है दैट इज़ रैंक, इंडिया इज़ रैंक 76th। तो 76 इज़ नॉट अ वेरी गुड रैंक, बट द फर्स्ट इज़ योर डेनमार्क, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री, बट हमारा इंडिया जो है उसका रैंक 76 है, दैट इज़ नॉट अ गुड रैंक, बट फॉर पेपर प्रिपरेशन यू हैव टू रिमेंबर इट। तो 76 इज़ द राइट आंसर, इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन विच स्टेट वॉज द नागोबा जत्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? नाउ नागोबा जत्रा फेस्टिवल इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल इन इंडिया, और ये गोंड कम्युनिटी जो है तेलंगाना में, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, और ऑप्शन ए इसका तेलंगाना राइट आंसर रहेगा, इसको आप याद कर सकते हैं, नागोबा जत्रा। तो डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द एमिनेंट सिंधी राइटर हु विल बी कन्फर्ड फ्रॉम 29th सरस्वती सम्मान अवार्ड। अगेन वेरी वेरी सरस्वती सम्मान HS के पेपर में पूछा ही पूछा जाता है डेफिनेटली, तो सरस्वती सम्मान अवार्ड याद कर सकते हैं। इसका आपका वासुदेव मोहित जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, इसको आप याद कर लीजिए, और डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आता है। तो सरस्वती सम्मान जो है दैट इज़ गिवन फॉर इफ योर एमिनेंस इन पोइट्री, और आपका पोइट्री से रिलेटेड एमिनेंस जो है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर सकते हैं, डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वॉट वॉज द थीम ऑफ 107th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस फॉर द ईयर 2020? अब जो इम्पॉर्टेंट ल्यूमिनरीज हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं थ्रू आउट इंडिया, उनको इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, वहाँ पे बुला के दे शेयर देयर आइडियाज़, साइंस में किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट क्या रिसेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी सारी डेवलपमेंट्स के आइडियाज़ को ये शेयर करते हैं। और ये कांग्रेस जो है वो 2020 में उसका जो थीम क्या था, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट में इसमें आपका स्ट्रेस किया गया, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा। तो दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस जनवरी MCQ सीरीज़। अब हम सेकंड पार्ट के साथ आएंगे, जिसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस होंगे। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस के लिए आप वेट कीजिए, एक दिन आपका नेक्स्ट डे ये आपकी वीडियो आ जाएगी। इन 15 क्वेश्चंस को याद कर लीजिए डायरेक्टली, ऑलमोस्ट 70-80% श्योरिटी के साथ ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो दीज विल बी इंपॉर्टेंट टू यू। नेक्स्ट, HS प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड लाइट मेन्स टेस्ट सीरीज इज आउट, आप उन टेस्ट सीरीज को जो है वो ले सकते हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, हिमाचल 30 डेज इशू इज आउट इन द मार्केट, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो आपके प्री एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, और मीन्स के लिए इसे आप ले सकते हैं। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।